पुलवामा हमले के गुनाहगार, उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि भारत ने जो है पीओके में आतंकवादी कैंप पे एक बड़ा हमला किया है, जिसमें जो है भारत के तरफ से 12 मिराज विमानों ने जो है आतंकवादी कैंप पे हमला किया है, जिससे आतंकवादियों के कैंप पे भारी नुकसान की खबर आ रही है। और ये जो है ये खबर जो है सरकार और ANI के सोर्सेस से आ रही है। खबर जो अब तक हम आपको पहुंचा रहे हैं ये एक बहुत बड़ी खबर है कि भारत ने पाकिस्तान से बदला लिया है। जो 14 तारीख को 40 जवान हमारे शहीद हुए थे, आतंकवादियों ने फिदायीन हमले में उनको शहीद किया था, उसका बदला भारत ने लिया है। ये इसमें और भी बड़ी खबरें आ रही हैं कि रात को 3:30 बजे मिराज विमान ने 1000 किलो बम जो है पीओके में, जो पाकिस्तान समर्थित कश्मीर है उसमें जो है बम गिराए हैं और कई कैंप जो है इससे तबाह हुए हैं। पीओके में घुसकर जो है भारतीय मिराज विमानों ने सबक सिखाया। आपको मालूम है कि जिस दिन ये हमला हुआ उस दिन जो है 14 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इसका हम बदला लेंगे, और भारत ने आज रात को 3:30 बजे जो है मिराज विमानों ने 12 मिराज विमानों ने आतंकवादियों के कैंप पर एक बड़ा हमला करके इसका बदला लिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि काफी जो है नुकसान पहुंचा है आतंकवादियों के का वहां पे। और जो है ये भी कहा जा रहा है कि इस हमले में जो है रात को 3:30 बजे उससे पहले जो ये जब हमला हुआ इसकी पहले से रणनीति बना ली गई थी, और इसकी पुष्टि अभी भारत सरकार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेगी, सेना और एयरफोर्स दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। उससे पहले जो है पाकिस्तानी सेना ने इस बात की पुष्टि की है कि भारतीय विमान जो है पाकिस्तानी सीमा में घुसे थे। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय सेना ने जो 40 जवान शहीद हुए थे CRPF के, उनका बदला लिया है। एक बार हम आपको अपडेट करते हुए चलें कि अल्फा कंट्रोल रूम जो लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद का था उस पे जो है हमला किया भारतीय एयरफोर्स ने, जिसके मिराज विमानों ने इस पे हमला किया है। हम आपको इसके बाद ये भी बताते चलें कि ये जो हमले की जो कार्रवाई की गई है वो जो है मुजफ्फराबाद में जो जैश का आतंकवादी हमला है उस पे हुआ है। बालाकोट है जो पुंछ से सटा हुआ इलाका है, वहां पे जो है भारतीय एयरफोर्स ने इस बार हमला किया है, और उसके लॉन्चिंग पैड पर जहां से आतंकवादी सीख के जो है भारत में हमला करते हैं वो जो है ऐसा किया गया है। आपको ये भी बताते चलें कि पाक सेना ने भी इसकी पुष्टि की है, और जो है अभी सुबह की जो गतिविधियां जो सामने आ रही हैं, जो धीरे धीरे छन के आ रही है उसके बारे में हम आपको ये बताते चलें कि NSA डोभाल ने जो है प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और इस हमले की जानकारी दी है। उसके बाद जो है गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन भी प्रधानमंत्री से मुलाकात करके इस हमले की जानकारी दी है। आपको मालूम है कि 14 तारीख के बाद से जो हालात बदले हैं, जो विश्व समुदाय ने भारत का समर्थन किया है, और उस समर्थन के बाद से अमरीकी राष्ट्रपति ने भी ये बात कही थी कि भारत जो है इसका बदला ले सकता है, और भारत ने ये बदला लेके ये बताया है कि हम जो है किसी भी मामले में अगर कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई भी जो है गलत गतिविधि होती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को करके ये बात बताई है कि हम जो है अब कमजोर नहीं रहे। वसुधैव कुटुंबकम की जो बात होती है वो तो बात होगी ही होगी, लेकिन अगर आप हमला करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये बात पाकिस्तान के कानों तक और उसके दिमाग तक पहुंचाने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री और सेना ने, ये दोनों ने ये बता दिया है कि अब भारत जो है वो भारत नहीं है कि अगर तुम हमला करोगे तो हम जो है चुप बैठे रहेंगे कि चलो ठीक है तुम शांति वार्ता करो, ये नहीं, शांति वार्ता होगी, लेकिन उससे पहले
पहले ये इस हमले का बदला लिया जाएगा और यही भारतीय सेना ने किया। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री कई रैलियों में, टोंक में, जो है दिल्ली के एक कार्यक्रम में, महाराष्ट्र में, हर जगह कहे कि सेना को खुली छूट मिली हुई है, जगह सीमा तय और हर एक चीज समय सारी टाइमिंग सेना तय करे और जो है इस हमले का जवाब दे। और भारतीय सेना ने इस हमले का ये जवाब दिया रात को 3:30 बजे। एक बार हम आपको अपडेट करते चलें, अगर आप हमको ज्वाइन कर रहे हैं तो ये अपडेट करते हैं कि रात को 3:30 बजे 12 मिराज विमानों ने जो है इस जो है हमले की कार्रवाई में कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें जो है सेना के लॉन्चिंग पैड और जो है क्या आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड और उस पे जो है काफी खत्म हुए। और इसकी पुष्टि भी सेना के जो मेजर जनरल आसिफ गफूर हैं उन्होंने भी की है। उन्होंने भी ट्विटर हैंडल पर जो है इस बाबत जो है फोटो डाल के बताई है कि जो है हमला हुआ है भारत की तरफ से और भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तानी सीमा में पीओके में घुस के जो है आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं उस पर हमला किया। आपको ये भी याद होगा इससे पहले भी एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था जिसमें 40 से ज्यादा जो है लॉन्चिंग पैड आतंकवादियों के जो लॉन्चिंग पैड थे वो उसको जो है डिस्ट्रॉय किया गया था और उसमें जो है काफी आतंकवादियों के हताहत और मरने की खबर थी। एक बार फिर कल रात को 3:30 बजे रात को भारतीय एयरफोर्स ने 12 मिराज विमानों ने 1000 से ज्यादा एक्सप्लोसिव जो है बम जो है आतंकवाद जैश के ठिकानों पे किया है। ये वही जैसे मोहम्मद है जिसके ठिकाने से जो है ट्रेनिंग करके कैंप से घुस के जो है कश्मीर में जो है आतंकवाद फैलाते हैं और इस आतंकवादी हमले का भारत ने जवाब दिया है। एक बार हम आपको फिर बताते चलें कि भारतीय एयरफोर्स ने जो है पाकिस्तान के पीओके में घुस के बालाकोट में जो है जैसे मोहम्मद के ठिकानों पे जो है भारी बमबारी किया है। 1000 एक्सप्लोसिव जो है वहां पे जो है गिराया है और ये कार्रवाई जो है पंजाब के आदमपुर एयरबेस से किया गया है जिसमें 12 मिराज विमानों ने इस पे जो है हमला किया है। और भी चीजों की जानकारी के लिए हम चलते हैं आप अपने सहयोगी जो है धीरेंद्र के पास। धीरेंद्र और भी जो जानकारी है वो बताएंगे। धीरेंद्र और क्या अपडेटेड है? अभी खबर आ रही है कि जब ये 14 फरवरी को ये हमला हुआ पुलवामा अटैक तो उसके बाद ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जिसमें तमाम दलों ने कहा था कि सरकार जो भी एक्शन लेगी आतंकवादियों के खिलाफ हम उसमें सरकार के साथ रहेंगे। तो इसके बाद जब आज हमला हुआ है तो उसके तुरंत बाद राहुल गांधी का भी ट्वीट आया, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये उन्होंने लिखा है कि आई सैल्यूट द पायलट्स टू द इंडियन एयरफोर्स। एक तरह से उन्होंने सेना एयरफोर्स को, भारतीय एयरफोर्स को तारीफ की है इस हमले को लेकर। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे ट्रेंड भी कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन स्ट्राइक्स बैक, जोश, इस तरह कई सारे ट्विटर हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं जिससे दिख रहा है कि इस हमले के बाद से लोगों में कितना जोश है। लोग बदले कि आग से कितनी मतलब बुरी तरह से चाहते थे कि पाकिस्तान पर हमला करे भारत। ये बात आप देख सकते हैं कि हमारे सहयोगी धीरेंद्र ने ये बात बताई कि जो है ये जो है हमले के बाद जो है काफी चीजें ट्रेंड कर रही है और लोगों में इस बात की खुशी है कि भारत ने बदला लिया है। भारत ने जो है पीओके में जैसे मोहम्मद के जो ठिकाने हैं जहां से वो लॉन्चिंग पॉइंट पे आतंकवादियों को तैयार करता है उस पे जो है भारतीय एयरफोर्स ने हमला किया है और जिसके 12 मिराज विमानों ने जो है लॉन्चिंग पॉइंट पे हमला किया और इस बात की सेना ने भी पुष्टि की है। ये जो बातें जो आ रही है जो एनआईए के हवाले से खबर है कि जो ये हमला हुआ उसके बाद से प्रधानमंत्री और हो सकता है कि देश के नाम संबोधन करें। और ये भी हम आपको बताते चलें कि जो है कि पाकिस्तान हमला करे उससे पहले जो है भारतीय आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबको अलर्ट पर रखा गया है और सीमा पे सभी चौकसी बरती जा रही है और दिल्ली से लेके जो है इस्लामाबाद तक इस बात की हलचल है कि भारत ने जो है पाकिस्तान पे हमला किया है और भारत ने इस हमले में जो है जैसे मोहम्मद के और जो है क्या कहते हैं मसूद अजहर और इन सब के जितने ठिकाने हैं जो जहां से वो आतंकवादी पैदा करते हैं उनके जो है उनको सबक सिखाया है। और भारत ने
इस हमले में अभी नुकसान की पुष्टि नहीं होगी और इस तरह की बातें जो है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना और एयरफोर्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, उसके बाद पता चलेगा कि और इसमें क्या अपडेट है। जो भी अपडेट होता है हम आपको अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही।